कृषि कानूनों का विरोध कर रहे प्रदर्शनकारियों को एक साल पूरा होने वाला है और 26 नवंबर को एक साल पूरा हो जाएगा किसान आंदोलनकारियों को दिल्ली के बॉर्डर पर जमा हुए हुए। इसी बीच राकेश टिकैत जो किसान नेता हैं लगातार बड़े बड़े बयान दे रहे हैं। उन्होंने सरकार को चेतावनी भी दे डाली है कि 27 नवंबर को वो कुछ बड़ा करने वाले हैं। साथ ही साथ 2 घंटे का अल्टीमेटम राकेश टिकैत देते हुए नजर आए थे, जिसके बाद बीजेपी ने इस पूरी समस्या का हल निकाल लिया है। एक तरफ किसान नेता हैं, आंदोलनकारी हैं, राकेश टिकैत हैं और किसान आंदोलन के तमाम बड़े चेहरे हैं जो लगातार कह रहे हैं कि वो 27 नवंबर को कुछ बड़ा करने वाले हैं और ट्रैक्टर रैली की भी बात कही जा रही है और कहा जा रहा है कि लाखों की तादाद में ट्रैक्टर रैलियां जो हैं दिल्ली में आएंगी और संसद का घेराव करेंगी। वहीं आपको बता दें इसी बीच बीजेपी ने एक तोड़ निकाल लिया है और पूरे उत्तर प्रदेश में ट्रैक्टर रैली के जरिए 2022 के चुनाव को हल करने का एक समाधान निकाला है। मिली जानकारी के मुताबिक केंद्र सरकार ने एक नई रणनीति तैयार की है और इस पूरे मुद्दे से निपटने के लिए केंद्र सरकार यानी कि बीजेपी की सरकार उत्तर प्रदेश में ट्रैक्टर रैली निकालेगी। इसका आगाज पूर्वांचल के मऊ जनपद से 16 नवंबर को किया जाएगा और इसकी अगुवाई करेंगे कामेश्वर सिंह। उन्होंने ये भी बताया कि 16 नवंबर से 30 नवंबर तक पूरे प्रदेश में ट्रैक्टर रैली का आयोजन किया जाएगा, जिसमें बीजेपी किसान मोर्चा के द्वारा ये बताया जाएगा कि किस तरह से केंद्र सरकार किसानों के साथ है और उनकी हर संभव मदद कर रही है। एक तरफ अगर हरियाणा की बात की जाए और उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो लगातार अलग अलग जगहों पर बीजेपी का विरोध कर रहे हैं किसान आंदोलनकारी। और आपको बता दें हाल ही में रोहतक के गांव में शिव मंदिर में बीजेपी के कार्यकर्ताओं को बंधक बना लिया गया था और साथ ही साथ वो सभी लोग जो मंदिर में एकत्रित हुए थे जो कि लाइव प्रसारण देख रहे थे केदारनाथ से पीएम मोदी का, उन्हें बंधक बना लिया गया था। उसके बाद भारी फोर्स मंगवाने के बाद उन्हें छोड़ा गया था। दूसरी तरफ ये ऐलान हो चुका है कि उत्तर प्रदेश की अगर बात की जाए बॉर्डर्स में जितने भी किसान आंदोलनकारी बैठे हैं वो 27 नवंबर को एक बड़ा फैसला लेने वाले हैं, वो दिल्ली में एंटर करेंगे और ऐसे में बीजेपी भी अपनी ट्रैक्टर रैली करने वाली है। तो ऐसे में आप समझिए कि जो माहौल है वो कहीं ना कहीं थोड़ा गड़बड़ाने वाला है, क्योंकि एक तरफ किसानों के ट्रैक्टर ट्रॉलियाँ होंगी और दूसरी तरफ बीजेपी के जो अगुवाई में ट्रैक्टर रैली करने की बात की जा रही है वो सब होंगी। तो ऐसे में चुनाव नज़दीक है। आपको बता दें कि चुनाव में बहुत कम समय रह गया है, बहुत थोड़े महीने रह गए हैं और इससे पहले ये जो दोहरी रणनीति नज़र आ रही है ये कहीं ना कहीं पब्लिक को परेशान भी कर सकती है। और साथ ही साथ ऐसे में सरकार की कवायद यही रहेगी कि ये बताया जाए कि किस तरह से कृषि कानून जो बनाए गए हैं वो एक आम किसान के हित में हैं, हालांकि आढ़ती और जो ज़मींदार हैं उन्हें शायद इनसे तकलीफ हो सकती है। पूरे मामले पर क्या है आपकी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और इसी तरह की ताज़ा तरीन अपडेट्स जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें ताकि आप तक पहुंचता रहे हमारा हर लेटेस्ट अपडेट।